हेलो गाइस, मैं हूं अर्पित शर्मा फ्रॉम टेलीकॉम टॉक। और टाइटल तो आपने पढ़ लिया होगा और आपको थोड़ा थोड़ा अंदर ही गुस्सा आ रहा होगा, मन ही मन, कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं, कहीं बहक तो नहीं गया अर्पित, क्या बात करने जा रहा है कि टेलीकॉम टैरिफ हाइक को जस्टिफाई करेगा अब ये। बट आप पूरी कहानी को सुनिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपकी भी आंखें खुल जाए, आपको भी लगेगा कि यार इसने सही बात करी है, एकदम बेहतरीन बात करी है। तो इस वीडियो को मैं आपको अर्ज करूंगा कि एंड तक देखिए, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो फिर लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं टेलीकॉम टॉक। तो देखिए, पहले तो एक रिवाइंड लेते हैं, थोड़ा सा रिकैप लेते हैं शॉर्ट में कि बेसिकली टेलीकॉम इंडस्ट्री में अभी हुआ क्या है कुछ दिनों में। तो कुछ दिनों में टैरिफ हाइक हुई है, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स द्वारा रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन है, इनने अपने जो टैरिफ है, अपने जो प्लान्स के प्राइजेज हैं, वो 40% तक बढ़ा दिए, लगभग 40% से थोड़े से ज़्यादा बढ़ा दिए इनफैक्ट। तो कंज्यूमर्स के परस्पेक्टिव से देखेंगे हम तो डेफिनेटली 40% इज़ अ बिग नंबर, बहुत बड़ी हाइक होती है। अब हमको ये लग रहा है कि हम सेम डेटा के लिए और इनफैक्ट थोड़े से रिड्यूस बेनिफिट्स के लिए हम ज्यादा पैसा देंगे सेम प्लान्स के लिए, तो अब डेफिनेटली जेबों में थोड़ा सा जोर पड़ेगा, हमको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, नो डाउट। मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा हूं कि 40% जो है वो काफी बड़ी टैरिफ हाइक हो जाती है इंडस्ट्री के हिसाब से। बट इधर पे मैं आपको एक और चीज ये कहूंगा कि थोड़ा सा एक कदम पीछे आइए और बड़ी पिक्चर को देखिए, अब बिग पिक्चर की तरफ ध्यान दीजिए कि एक्चुअल में इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, इस टैरिफ हाइक के पीछे की कहानी क्यों है, क्यों टैरिफ हाइक आखिरकार की गई, क्या ऐसी सिचुएशन आ गई थी और क्या इसका इफेक्ट होगा लॉन्ग टर्म में। तो जब आप इन चीजों को समझेंगे तो आपको भी अंदर ही से कहीं पर लगेगा कि ये टैरिफ हाइक कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है। तो अगर आप देखें, अभी सबसे पहली जो इसमें कड़ी है सीरीज में, ये आती है AGR के इशू के बाद में। तो AGR का इशू हमने पहले डिस्कस किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर को एक वर्डिक्ट जारी किया जिसमें कहा कि उसमें 1.3 लाख करोड़ का जो टोटल अमाउंट है वो इंडस्ट्री को देना पड़ेगा इस वर्डिक्ट के बाद में। अब इसमें से जो भारतीय एयरटेल और वोडाफोन है उनको 90,000 करोड़ से ज्यादा की ड्यूज देना पड़ेगी। तो अब इसमें यह होता है ना कि 90,000 करोड़ की जो ड्यूज है वो काफी बड़े अमाउंट होता है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए, और इसके कारण ही जो लॉस है वो ऑपरेटर्स का बढ़ गया है। तो अगर मान लीजिए हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अज्यूम करते हैं कि मान लीजिए ये जो ड्यूज है वो एज इट इज रहती हैं और टैरिफ हाइक जैसी कोई भी चीज नहीं होती और रिलीफ भी इन ऑपरेटर्स को नहीं मिलता है, तो इन द एंड इतनी बुरी सिचुएशन आ सकती थी टेलीकॉम इंडस्ट्री में कि जो वोडाफोन जो है, जो ब्रिटिश एंटिटी है, जो वोडाफोन आइडिया की कंबाइंड एंटिटी में, वो इंडिया से एग्जिस्ट कर लेती। अब आइडिया अकेले में अपने कंपटीशन को सर्वाइव करने की स्थिति में ऐसा हो सकता है नहीं कर पाता कंपटीशन को सर्वाइव। अब इधर पे बात आती है एयरटेल की, तो एयरटेल जो रिलायंस जियो जो है वो इंडस्ट्री में रह जाते और एयरटेल की भी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो उतनी अच्छी नहीं रहती कि वो रिलायंस जियो को कम्पीट कर पाता है। ऐसे केस में क्या होता है कि कई बार मार्केट में मोनोपोली बढ़ने के कारण जो प्राइसेस हैं वो और ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं और सब्सक्राइबर्स को इन द एंड बहुत बुरी सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है जहाँ पे सिर्फ एक ही टेलीकॉम ऑपरेटर जो है वो अपनी अपनी चलाता रहेगा। तो ये केस जो है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट अवॉइड करना चाहती है, तो इसलिए जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इनको रिलीफ दिया गया है 2 साल का ड्यूज को पटाने के लिए। अब इधर पे एक और जो बड़ी पिक्चर वाली बात ये आती है, तो अगर आप पुराने प्राइसेस को कंपेयर करेंगे तो अगर आप 2010 के प्राइस को देखें तो सब्सक्राइबर्स जो है वो 333 रुपये पर GB डेटा के लिए देते थे। अगर अभी आप किसी भी बंदे को जाके बोलेंगे कि भैया तुम्हें 333 रुपये पर GB देना पड़ेगा तो वो तुम्हें पागल बोल के भगा देगा, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। बट उस टाइम इंडस्ट्री क्योंकि नई थी तो ये डेटा जस्टिफाइड था, ये प्राइस जस्टिफाइड था। बट अभी जो प्राइस है डेटा का वो अप अंटिल नाउ वो 7.5 रुपये पर GB हुआ करता था, लगभग टू बी स्पेसिफिक 7.7 रुपीज पर GB हुआ करता था डेटा प्राइस रिलायंस जियो के आने के बाद से। तो आप देख सकते हैं कि कितना जमीन आसमान का फर्क है इस प्राइस में। तो अब अगर इस 7.7 रुपीज पर GB में हम 40% की हाइक करते हैं तो इसमें 40% की हाइक जो होगी वो सिर्फ 11 रुपीज पर GB पे आ जाती है। ये वही बात होगी कि अगर आप 10 रुपये पे 40% लगाएं और 100 रुपये पे 40% लगाएं, तो 10 रुपये का 40% 4 रुपये होता है और 100 रुपये का 40% 40 रुपये होता है। तो ये जो परसेंटेज का जो खेल है वो हमें घर पे देखने को मिलता है। तो अगर हम कुछ पिछले सालों की बात करें और अभी की बात करें तो डेफिनेटली ज़मीन आसमान का फर्क है डेटा के प्राइजेस में। तो एक तरीके से हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ऑल्दो जो प्राइजेस हैं वो बड़े हैं बट पिछले के कंपैरिजन में हम अभी भी बहुत डेटा के लिए कम पे कर रहे हैं। अब इधर पे एक और मैं आपकी आई ओपनिंग वाली बात करूंगा, वो है ग्लोबल डेटा रेट्स के बारे में। तो ग्लोबल डेटा रेट्स को अगर हम देखें तो वो है $8.5 पर GB।
एक अप्रोक्सीमेट कन्वर्जन करेंगे हम तो $10 का जो प्राइस होता है वो होता है ₹700। तो लगभग लगभग अगर मैं एक अंदाजा लगाऊं तो लगभग लगभग ₹600 पर GB लोग पे करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि एवरेज रेट है डेटा का ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इधर से आप देख सकते हैं कि हम तो सिर्फ ₹11 पर GB पे कर रहे हैं, तो स्टिल हम कितने अच्छे बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहे हैं इंडस्ट्री में। अब इधर पे बात आती है कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको क्यों डिफेंड कर रहा हूँ टैरिफ हाइक को। तो इधर पे फ्रेंड्स आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि इन द एंड जो टैरिफ हाइक है वो आपको कैसे बेनिफिट कर सकती है। तो देखिए शॉर्ट टर्म में अभी जो टैरिफ हाइक है वो तो डेफिनेटली सब्सक्राइबर्स को लगेगा कि हम ज्यादा पे कर रहे हैं, हमारे से जो लूट मची हुई है टेलीकॉम इंडस्ट्री में उनको ऐसा फील होगा। बट अगर आप सोचिए तो इंडस्ट्री की जो हालत है टेलीकॉम इंडस्ट्री की वो काफी ही ज्यादा बुरी है फाइनेंशियली स्पीकिंग। एक तो 7 लाख करोड़ की डेट है इंडस्ट्री के ऊपर, तो ऐसे में क्या होता है ना कि कंपनीज जो है वो अच्छे से हायर नहीं कर पाती हैं, अपने रिसोर्सेज में इन्वेस्ट नहीं कर पाती हैं। तो इन द एंड इसका जो फर्क है वो सब्सक्राइबर्स को दिखता है कि नेटवर्क हमें अच्छा नहीं मिल रहा है, कंपनी जो है वो टेक्नोलॉजी को ज्यादा तेजी से अडाप्ट नहीं कर रही, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उनको रोल आउट नहीं कर रही है। तो ये सब ना हो इसलिए टैरिफ हाइक जस्टिफाइड है। मान लीजिए अभी जो कंपनीज हैं उनको टैरिफ हाइक से थोड़ा सा ज्यादा रेवेन्यू मिलता है, थोड़ा सा ज्यादा पैसा मिलता है, तो कंपनीज ऑलरेडी कह चुकी हैं कि इस पैसे को यूज करके वो ज्यादा लोगों को हायर करेंगी। तो अगर ज्यादा लोगों को वो हायर करेंगे तो ये होगा कि जो कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली इंप्रूव होगा लोगों के लिए, इंडस्ट्री में जॉब्स भी बहुत ज्यादा क्रिएट होंगे। तो जो लाखों करोड़ों लोगों को जो जॉब्स मिल रहे हैं वो डेफिनेटली मिलेंगे लोगों को। और इन द एंड जो नेटवर्क का जो क्वालिटी है, जो टेक्नोलॉजी की जो क्वालिटी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है, वो भी काफी तेजी से होगा, काफी स्पीड में होगा। तो इन द एंड जो बेनिफिट्स हैं ये जो टैरिफ हाइक के, तो वो घूम फिर के सब्सक्राइबर के पास वापस आ जाएंगे। इन द एंड आपको बेटर नेटवर्क एक्सपीरियंस मिलेगा, बेटर सर्विसेज एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी, इसलिए एक और पॉइंट ऑफ व्यू से ये टैरिफ हाइक जस्टिफाइड है। तो अगर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये टैरिफ हाइक अनजस्टिफाइड है, हमारे साथ गलत हो रहा है, तो मैं आपको अर्ज करूंगा कि एक और बार ध्यान से सोचिए इस टैरिफ हाइक के बारे में कि क्या सही में गलत है और क्या इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि आप एक ऐसी इंडस्ट्री को हेल्प कर रहे हैं जो कि इंडिया की ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है और जो कि इन द एंड आपको भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। तो ऐसे केस में एक थोड़ी सी छोटी सी हाइक जो है वो डेफिनेटली हेल्प करेगी इंडस्ट्री को। ऑल्दो शॉर्ट टर्म में कंज्यूमर्स को एक थोड़ा सा शॉक लगेगा, थोड़ा सा उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा, बट इन द एंड जो बेनिफिट्स हैं 1-2 साल के पीरियड में वो आपके पास घूम फिर के आ जाएंगे डेफिनेटली। सो बिफोर द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं 3 एक्सपर्ट्स को फीचर करना चाहूंगा, निखिल, सिद्धार्थ और ऋषभ, जिन्होंने अपने अच्छे इनसाइट शेयर किए हमारे साथ कमेंट्स पे। और मैं बाकी एक्सपर्ट्स को भी अर्ज करूंगा कि अगर आपके पास ऐसे कोई इनसाइट या फिर न्यूज है तो उसको बाकी लोगों के लिए भी शेयर कीजिए कमेंट्स में, और आगे से हम अपने सारे वीडियोज में ऐसे एक्सपर्ट्स को फीचर करेंगे। तो गो हेड एंड कॉमेंट। तो ये था वीडियो टैरिफ हाइक और उसके जस्टिफिकेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, सही में लगा हो कि हमने आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, काफी आई ओपनिंग इन्फॉर्मेशन दी है, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए, क्योंकि हम और भी ऐसे ढेर सारे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जाने से नहीं शर्माइएगा। आई होप यू हैव अ गुड डे।